अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटो की के मतलब बताने जा रहा हूं। ऑटो की, जब लोग हम लोग कोई एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम ऑटो कीज को भी यूज करते हैं। ऑटो की भी आपके पास एक एनिमेशन ही बनाने का प्रोसेस है। अब ऑटो की को कैसे यूज किया जाएगा, इसके क्या फायदे हैं, आए हम इस लेसन के अंदर देखते हैं। मैं यहां पर अपने पर्सपेक्टिव व्यू को लॉन्च कर लेता हूं। मेरे पास ये मेरा व्यू है और मैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट भी यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये आपकी टाइमलाइन है और यहां पर आ जाएं, आपके पास की सेट्स आ जाते हैं। आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ऑटो की। ऑटो की करता क्या है, आप की फाइल के अंदर, आपकी मैक्स के सीन के अंदर कोई भी चेंजिंग, ऑटो की को ऑन करने के बाद आप कोई भी क्लिक, कोई भी किसी चीज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, उसको रोटेट कर देते हो या कुछ भी आप उसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो ऑटो की उसको रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड करके आपको एनिमेशन बनाकर दे देगा। अब कैसे ये होगा काम देखते हैं। मैंने क्या किया, अपने पास ऑटो की को ऑन किया। यहां पे मेरे पास ये ऑटो की ऑन है और मैं अपनी फ्रेम्स को नियर अबाउट तकरीबन 50 तक लेकर आ जाता हूं। 50 तक लेकर आ जाने के बाद मैं इसकी कुछ आगे तरफ एनिमेशन कर देता हूं। मैं इसको इस कॉर्नर पे लेकर आ गया हूं, मींस के मैंने इसको यहां से इधर लेकर आ गया, सीधा इस तरफ लेकर आ गया, ठीक है। अब ऑटो की ने क्या किया होगा, इसकी जो मूवमेंट हुई है यहां से लेकर सीधी इस एरिया तक इसने रिकॉर्ड कर ली है। कैसे, क्योंकि जैसे मैंने ऑटो की के ऊपर क्लिक किया था, यहां पे मेरे पास ये रेड एरिया आ जाता है, मीन के ये आपको अलर्ट करता है, ये आपको वार्निंग दे रहा होता है रेड एरिया कि अब इसके अंदर जो भी चेंजिंग होगी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और जैसे ही फिर मैंने अपने शेप्स को दाएं से बाएं मूव किया और उसके साथ मैंने मूव करने से पहले मैंने टाइमलाइन को आगे टारगेट पे लाया, उसके बाद मैंने शेप को मूव किया तो वो मेरे पास इसने क्या किया, इसने दो कीज बनाकर मुझे दे दी। अब क्या है, अब जैसे आप इधर आ जाएं देखें तो ये देखें आपने क्या किया, एक एनिमेशन बना डाली। ये देखें, ये मैं अपने टाइम स्लाइडर को मूव कर रहा हूं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, तो ये आपके पास क्या हुआ, आपकी कीज बन चुकी है यहां पे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे आगे की तरफ मूव कर, इस तरफ मूव कर देता हूं यहां पे, तो मेरे पास फ्रेम क्या हुई, 100 पर आई हुई थी, मैंने उसको क्या किया, आगे की तरफ मूव किया। अगेन देखिए, मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मेरे पास ऑटो की ऑन है, मैं अपनी फ्रेम को आगे की तरफ ले आता हूं, लेट्स से 75 पे लेकर मैं चला गया, या अगर आपको वैल्यू पे जाना है सिंपली आप इधर आ जाएं, इसे वैल्यू देते 75, पहले आपने वैल्यू पे जाना होगा और फिर अपने ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करें। अब जैसे मैंने चेंजिंग की तो ये चेंजिंग इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। अगेन मैं अपने टाइम स्लाइडर को आगे लेकर आ जाता हूं और इसको मैं कुछ इस तरफ लेकर आ जाता हूं, अगेन मैंने सबकी जगह पर लेकर आ गया, तो देखें फिर आपके पास यहां पे की जनरेट हो चुकी है। तो ऑटो की क्या कर रहा है, टाइम के साथ जैसे आपके सीन के अंदर कोई चेंजिंग होगी उसकी एनिमेशन बनाकर आपको दे देगा। अब देखिए, जैसे अपने स्लाइडर को मूव करूं तो ये मेरे पास एक एनिमेशन तैयार हो चुकी है। अब मैं ऑटो की को ऑफ कर देता हूं, ऑटो की मैंने ऑफ किया, वापस यहां पर आके मैं जैसे से प्ले कर देता हूं, क्वेश्चन मार्क ने लगाया तो देखिए मेरी ये एनिमेशन रेडी हो गई है। मेरा बॉल इधर गया, यहां यहां और यहां, देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके पास चार स्टेप्स एनिमेशन के बने हैं। मीन स्टार्ट, फिर आप जाकर कहां पर रुके थे, 50 पर आ जाएं, फिर 75 पे आपने ब्रेक किया था और फिर आपने 100 पे ब्रेक किया था। देखें तो ये टाइम्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, टाइम स्लाइडर के थ्रू, तो ये आपके पास वो एनिमेशन बनकर आ चुकी है। क्लियर। अच्छा, इस तरह से मैं रीसेट कर लेता हूं अगेन और यहां पर मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, लेट से कि मैं अपने पास एक टीपॉट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक टीपॉट है। अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ फंक्शन अप्लाई करता हूं। सबसे पहले तो मैं इसे ऑटो की लगा देता हूं, ऑटो की लगाने के बाद मैं इसे 30 तक लेकर आ जाता हूं। जब 30 तक आया तो मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया मूव का, मैं इसे मूव कर देता हूं। तो देखें इसने क्या किया, वो मूव का जो मेरे पास ऑपरेशन था वो इसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ऑटो की मेरे पास ऑन है,
ठीक है, अगेन आप आ जाते हैं 60 तक आ जाते हैं। 60 के बाद आपने क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू किया और साथ में क्या करेगा, इसकी रोटेशन भी बना लेगा। ये देखें, ये देखें, अब जैसे ये स्टार्ट हो रहा है अपने फर्स्ट पॉइंट से रोटेशन करता हुआ, साथ साथ रोटेशन भी लेकर आ रहा है। वापस मैं इसको लेकर आ गया हूं 90 तक लेकर आ गया हूं यहां पे, और इसको मैं स्केलिंग दे देता हूं। अब मैंने इसको साथ में, क्योंकि मैं अपना काम मॉडिफाइड कर रहा हूं, अब जैसे मैंने इसको स्केल भी दे दिया, अब देखते हैं क्या होता है। ऑटो की को मैंने ऑफ किया और क्वेश्चन मार्क अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें। ये देखिए, अब आप यहां पर एक चीज नोट करें, आपके पास मैंने यहां पर एक मूव की कमांड लगाई, फिर मैंने स्केलिंग की कमांड लगाई, रोटेट की कमांड लगाई, और फिर मैंने यहां पर स्केलिंग की लगाई। तो लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको फर्स्ट पॉइंट से ही तमाम वैल्यू अप्लाई करता हुआ आगे चल रहा है। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट से ही तमाम वैल्यू बढ़ाता हुआ चल रहा है। अब इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये तो चीजें हम आइंदा वाले लेसन के अंदर जाकर देखेंगे, लेकिन यहां पर कहने का मतलब ये है, जो जो आपने चेंजिंग की वो इसने उठा लिए यहां पे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगेन मैं इसे रीसेट कर देता हूं, ऑल्ट डब्ल्यू मैंने लगा दिया। मेरे पास यहां पर एक सिलेंडर मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और मैं इधर ऑटो की पे चला जाता हूं, मैं इसको 100 तक लेकर आ जाता हूं, चले 50 तक लेकर आ जाता हूं इसे मैं। और अब मैं क्या कर लेता हूं, इसके हाइट की, यहां पैरामीटर्स पे आके हाइट मैंने क्लिक किया। अब देखिए, जैसे मैंने हाइट पे क्लिक किया हुआ है, यहां पे मेरे पास रेड बॉर्डर आ चुका है बटन पे। इट्स मीन ये भी आपको बता रहा है, ये भी डेंजर मार्क आपको बता रहा है कि ये जो भी आप वैल्यू दे रहे हो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। एनी आओ, मैंने ये वैल्यू दे दी तो मेरे पास क्या हुआ, ये वैल्यू रिकॉर्ड होकर आ गई। ये देखिए, इसने ये वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया यहां पे, क्लियर। और इसके साथ ही मैं कहता हूं, जब ये आगे तरफ निकले 100 तक, इसके ऊपर एक मॉडिफाइडर भी लगाते हैं। मकसद कहने का ये है, जैसे जैसे आप इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे ये एनिमेशन भी खुद बहुत क्रिएट करता जाएगा। आप इधर आ जाए, इसको मैं एंगल दे देता हूं, और जैसे मैंने इसको एक एंगल दे दिया, उस एंगल पे ये इसने अपने आप को मॉडिफाइड कर दिया। ये देखिए, अब देखें शुरू से ही ये अपनी लेंथ भी बढ़ा रहा है और साथ साथ में इसको बैंड भी कर रहा है। तो मींस ऑटो की के लिए, जैसे जैसे आपने इसको ऑन किया हुआ है और जो भी आप चेंजिंग करते जाते हो वो आपके पास यहां पर नुमाया होती जाती है, आपको दिखाई देती जाती है। लेकिन अगेन, अगर आप जो रिजल्ट थिंक कर रहे हो वो रिजल्ट यहां पे नहीं आ रहा, उसको कैसे लिया जाता है, वो इंशाल्लाह हम आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे। मतलब कि जब मैं 100 तक गया था, जस्ट इसकी मेरे पास हाइट जाती 50 तक गया था, जब 50 से मैं आगे निकला हूं फिर इसको बैंड करना चाहिए था। लेकिन अगर इस एनिमेशन को देखा जाए तो ये जीरो से ही तमाम चीजें एक जगह पर लेकर जा रहा है। देखें तो ये इसका एक वीक पॉइंट ऑटो की का, लेकिन जहां पर प्लस पॉइंट होते हैं वहां पर कोई ना कोई इसका वीक पॉइंट भी है। ऑटो की जो शॉर्टकट है वो क्या है, एन। अपने कीबोर्ड से आप एन प्रेस कर दें तो आपके पास ऑटो की आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूं, अगर आप कहीं मिडल पे, यानी कि आपके पास दो फ्रेम लगी हुई है की फ्रेम, इनके दरमियान में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 25 पर आ गया, मैंने कहा 25 पे क्या करना है, साथ से मूव भी कर देना है। ये मैंने इसके अंदर चेंजिंग कर डाली, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेगा ये, ये देखेगा ये रिवर्स आया और ये इसने काम कर डाला। ये देखिए, रिवर्स आया तो इसने ये काम कर डाला। मीन कि अगर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहें आप इसके साथ साथ भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास ऑटो की का कंसेप्ट। आई होप कि आपको डिटेल से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है और आपको समझ आई होगी। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको भी इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम चीजें इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, कंप्लीट डीवीडी क्वालिटी चाहिए, डीवीडी चाहिए, तो आप अभी हमें कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy और हमारा फेसबुक का भी आईडी है xpacademy। तो मुझे अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।